Okay, everyone, just take out your books. Take out page number 32. Take out page number 32. Nikala. Nikala, sabne? Yes, ma'am. Okay, now today we will read about important rivers. Okay, main crops of this region, main minerals of this region, and important cities of this region. Okay. Okay, ma'am. Okay, everyone. Just stick out your page. I'm sharing you the screen. Okay. Ma'am, page number. Okay. Ma'am. Page number 32. बार बार कोई नहीं पूछेगा. Take out page number 32. Okay, now are you all able to see the screen? Yes, ma'am. Ma'am, blur आ रही है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. थोड़ी blur आ रही है. अभी आ रही है? Now it's clear? No, ma'am. अभी भी थोड़ी blur आ रही है. Okay, just wait a minute. Ma'am. Now see, is it clear? No, ma'am. No, ma'am. अभी blur आ रही है. थोड़ी सी blur आ रही होगी. See. ma'am, अब आ रही है. आ गई. आ गई अभी? Yes, ma'am. Now we will start. We will first read about important rivers of the region. There are two westward flowing rivers in this region. There are two westward flowing rivers. One is Narmada and second one is Tapti. Okay, Narmada and Tapti. See, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ. आप इसमें मैप में देखो. आपको ये नर्मदा रिवर दिख रही है इधर? Yes, ma'am. And see, this is Tapi River. आपको दिख रही है? Yes, ma'am. ये westward flowing rivers. These are westward flowing rivers. Okay? Okay, ma'am. ये जो नर्मदा रिवर है वो कहाँ फ्लो करती है? विंध्याचल और सतपुरा रेंज के बीच में. सी, ये यहाँ पे आपको गिवन है. ये वाली जो रेंज दिख रही है आपको बीच में? Yes, ma'am. इस वाली रेंज के बीच में ये फ्लो करती है. और जो हमारी सेकेंड वाली रिवर है तापी रिवर, ये सतपुरा रेंज के साउथ में फ्लो करती है. सी, दिस इज सतपुरा रेंज. ये साउथ में यानी नीचे की तरफ फ्लो करती है. नीचे की तरफ फ्लो करती है. ओके. ओके, मैम. ओके, नाउ सी, ये दोनों रिवर्स है. दीज टू रिवर्स फ्लो इन टू द अरेबियन सी. ये वाली जो दोनों रिवर्स ये कहाँ पे फ्लो करती है? अरेबियन सी में फ्लो करती है. ओके, दीज टू रिवर्स फ्लोज इन टू द अरेबियन सी. दीज आर नॉट पेरिनियल एंड रेनफेड. पेरिनियल का मतलब मैंने आपको बताया था, द रिवर्स विच डू नॉट फ्लो थ्रू आउट द ईयर. सॉरी, विच फ्लो थ्रू आउट द ईयर आर पेरिनियल रिवर्स. And rainfed rivers are the rivers which flows into the rainy season, which flows in only rainy season. लेकिन जो ये वाली सारी rivers है ये कौन सी है? Rainfed, जो सिर्फ rainy season में ही flow करती है. दूसरी rivers और कौन कौन सी है? The Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri. ये और भी other rivers है जो important river है इस region. Okay? Now we will read, see on the next page. Do you know पे देखो, कन्याकुमारी is the southernmost tip of the Indian mainland with three great water bodies, the Indian Ocean south, the Arabian Sea west, the Bay of Bengal east meet. See, कन्याकुमारी क्या है? एक southern tip है. See, कन्याकुमारी is the southern tip of the Indian mainland where three great water bodies. कन्याकुमारी का टिप मैंने आपको बताया था. See on this page. मैंने आपको यहाँ पे बताया था कन्याकुमारी ये हमारी इंडिया का लास्ट टिप और पॉइंट है. यहाँ पे सी इधर वेस्ट से, ईस्ट से और नॉर्थ से, यहाँ तीनों से ही तीनों वाटर बॉडीज आती है और साउथ की तरफ फ्लो करती है, इस तरफ फ्लो करती है. ठीक है?
सीआई ने यहाँ पे यही लिखा है कि ये यहाँ पे इंडियन ओशन है जो साउथ की तरफ स्क्रीन अच्छे से नहीं दिख रही और मैम आपका वॉइस भी नहीं आ रहा। Now is it visible? No, ma'am. No, ma'am. That is just in. Okay, now see again, I'm showing. Now you all are able to see the screen? Yes, ma'am. Okay, now, अभी हमने ये पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे और क्या क्या है. These rivers flow into the Bay of Bengal and make deltas. ये वाली जो रिवर्स है मैंने आपको बताई थी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये वाली जो रिवर्स है ये फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, और क्या बनाती है, डेल्टास बनाती है. डेल्टास का मतलब मैंने आपको बताया था कि ऐसे ट्राइंगुलर एज होता है, यहाँ पे तीन जगह से एक जगह पर जो रिवर आती है हम उसको डेल्टा बोलते हैं. दीज आर इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू एंड मेक द लैंड फर्टाइल. ये वाली हमारी इंडिया की इम्पोर्टेंट रिवर है, ओके, इम्पोर्टेंट रिवर्स है और ये हमारे इंडिया की जो लैंड डेक्कन प्लेट्यू की लैंड को फर्टाइल बनाती है. फर्टाइल का मतलब जहाँ पे प्लांट्स इजीली ग्रो कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फर्टाइल लैंड. देयर आर मेनी वॉटरफॉल्स इन दिस रीजन. इस रीजन में बहुत सारे वॉटरफॉल्स भी है. सी, कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सेकेंड हाइएस्ट वॉटरफॉल है वो है जॉग फॉल्स. हमारी इंडिया का सेकेंड हाइएस्ट वॉटरफॉल कौन सा है, जॉग फॉल्स ऑन द रिवर शरावती इन कर्नाटका. कर्नाटका के अंदर रिवर शरावती है, इसके ऊपर जॉग फॉल्स, ये वाला जो वॉटरफॉल है वो इस पे फॉल करता है. डैम्स एंड टैंक्स आर द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन. डैम्स एंड टैंक्स आर द मेन सोर्स ऑफ, यहाँ पे जो डैम्स है और टैंक्स है मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन है, जिससे हमको हम प्लांट्स को इजीली वाटर सप्लाई कर सकते हैं. बिकॉज जो प्लांट्स है वो इजी बिना वाटर के कैसे ग्रो कर सकते हैं, इसीलिए. ओके, नाउ सी, अभी हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में. नाउ वी विल रीड अबाउट मेन क्रॉप्स. The soil of the Deccan Plateau region are red and black. Black soil is known as the cotton soil. And what is the Savitri. See, Deccan Plateau का जो main soil होते हैं वो कौन से, red and black. और जो black soil है उसको हम क्या बोलते हैं, cotton soil. Black soil को और cotton soil भी कहा जाता है. यहाँ पे रेड और ब्लैक कलर का सॉइल है, इसीलिए यहाँ पे कॉटन और ऑयल सीड की ग्रोथ भी अच्छे से होती है. ऑयल सीड क्या होता है, ऑयल सीड जो हमारी कुकिंग में काम आता है, जो हम कुकिंग में काम में लेते हैं हम उसको बोलते हैं ऑयल सीड. हमारी कुकिंग में जो काम आता है हम उसे क्या बोलते हैं, ऑयल सीड. जो सीड से बनता है दैट इज एन एडिबल ऑयल, दैट इज एन एडिबल ऑयल. Groundnut, rice, sugarcane, wheat and cotton are the main crops of the Deccan Plateau region. Groundnut, rice, sugarcane, wheat, jog falls, Janvi jog falls, jharna. हमारे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट, सबसे हाईएस्ट झरना जो है वो है जॉग फॉल्स, ओके, जो कि रिवर शरावती पे फ्लो करता है. ओके मैम, थैंक यू. ओके, ग्राउंडनट, राइस, शुगर केन, वीट एंड कॉटन आर द मेन क्रॉप्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रीजन. ग्राउंडनट, मूंगफली मैंने आपको बताया था,
राइस शुगर केन वीट एंड कॉटन ये हमारे डेक्कन प्लेट्यू के मेन क्रॉप्स हैं। रबर एंड स्पाइसेस आर ऑल्सो ग्रोन इन दिस एरिया। इस एरिया में रबर और स्पाइसेस, स्पाइसेस तो हमारी डे टू डे नीड्स में यूज में आते हैं कुकिंग में। यहाँ पे वो वाले स्पाइसेस गिवन है आपको। अभी तक हमने पढ़ा इम्पोर्टेंट रिवर्स के बारे में, मेन क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। वी नाउ वी विल रीड अबाउट मिनरल्स। मिनरल्स The southern plateau region of India is rich in minerals. जो हमारा southern plateau है इंडिया का, वहाँ पे बहुत ही अच्छे अमाउंट में हमको मिनरल्स मिलते हैं, ओके? बहुत एक्सट्रीम लेवल में वहाँ पे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी हम देखेंगे कि यहाँ के इम्पोर्टेंट मिनरल कौन से हैं। सी टर्न योर पेजेस एवरीवन। ओके मैम। आयरन ओर, कोल, माइका एंड गोल्ड आर द मेन मिनरल्स फाउंड इन द डेक्कन प्लेट्यू रीजन। Iron ore, coal, mica and gold are the main important minerals. ये जो four minerals आपको यहाँ पे given है, ये Deccan Plateau में हमको सबसे ज्यादा मिलते हैं। कौन कौन से हैं? Iron ore, coal, mica and gold. Okay? माइका सी, ये जो हमारी टेबल्स, हमारी जो टेबल्स और चेयर्स है ये स्मॉल स्मॉल यहाँ पे लगी है, ये जो शीट, इसको हम माइका बोलते हैं। नाउ वी विल रीड अबाउट इम्पोर्टेंट सिटीज। फर्स्ट वन इज हैदराबाद। हैदराबाद इज वन ऑफ द हिस्टोरिकल सिटी। यहाँ पे ये क्यों फेमस है? बिकॉज यहाँ पे गोलकुंडा फोर्ट है एंड देयर इज कलरजंग म्यूजियम। दीज बोथ आर हिस्टोरिकल एंड देयर इज ऑल्सो वन आईटी हब। आईटी हब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी कंपनी इकट्ठी होती है और कम्युनिटी वर्क करती है, जिससे क्या होता है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी का वर्क होता है वो इजी तरीके से और फास्टर स्पीड से होता है। इसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब बोलते हैं। कोई भी हमारे को जो लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती है, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, ये हमें आईटी हब से मिलती है। ओके नाउ सेकेंड वन इज भोपाल। इन्फॉर्मेशन जो हमको देते हैं। नाउ भोपाल द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल, नागपुर। इट इज फेमस फॉर ऑरेंजेस एंड इज अ हिस्टोरिकल प्लेस। जो नागपुर है वो क्या है? इट इज फेमस फॉर ऑरेंजेस एंड इट इज अ वन हिस्टोरिकल प्लेस। इंदौर फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल, जहाँ पे कॉटन को अच्छे से पैक किया जाता है, उसको वापस से सेट किया जाता है, उसको इन राउंड शेप में कन्वर्ट करते हैं। गोलकंदा इज अ नेम ऑफ अ फोर्ट विच इज इन हैदराबाद। सलरजंग इज अ म्यूजियम, हिस्टोरिकल म्यूजियम विच इज इन हैदराबाद। नाउ बेंगलुरु कैपिटल ऑफ कर्नाटका एंड एन आईटी हब। बेंगलुरु क्या है? कर्नाटका की कैपिटल है और वहाँ पे एक आईटी हब भी है। मैसूर इज ऑल्सो एन हिस्टोरिकल सिटी। मैसूर इज ऑल्सो एन हिस्टोरिकल सिटी। ओके नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। टुमोरो वी विल डू द क्विज जोन एंड राइटिंग जोन ऑफ दिस चैप्टर। ओके एवरीवन। सलरजंग, जानवी सलरजंग इज अ नेम ऑफ अ म्यूजियम विच इज इन हैदराबाद। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? यस मैम। इज देयर एनी डाउट इन दिस चैप्टर? नो मैम। नाउ आई टेक जस्ट स्मॉल रिकैप ऑफ दिस चैप्टर। जस्ट सी हियर, सी इम्पोर्टेंट रिवर्स मैंने आपको बताई, नर्मदा ताप्ती जो वेस्टवर्ड वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, वेस्ट साइड की तरफ। और अदर इम्पोर्टेंट रिवर्स कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ओके ये वाली जो रिवर्स है ये बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती है और फिर उसके बाद में डेल्टा क्रिएट करती है। ओके फिर उसके बाद में यहाँ पे हमारे इंडिया का सेकेंड वाटरफॉल कौन सा है? जॉग फॉल, जो कि रिवर सेराव
से फ्लो करता है, दैट इज इन कर्नाटका. डैम्स और टैंक्स हमारी मेन सोर्स है इरिगेशन के. मैम शरावती क्या है? बकार ना फॉल्स से बताऊंगी अभी. ओके, शरावती इज द नेम ऑफ अ रिवर, रिवर शरावती. ओके, मेन क्रॉप्स, मेन क्रॉप्स कौन कौन से हैं हमारे? सबसे पहले दो सॉइल इम्पोर्टेंटली जो हमको इस एरिया में मिलते हैं वो है रेड सॉइल एंड ब्लैक सॉइल. ठीक है, और मेन क्रॉप्स हमको यहाँ कौन कौन से मिलते हैं? कॉटन एंड ऑयल सीड. ऑयल सीड होते हैं जो हमारे एडिबल ऑयल होता है ना, कुकिंग ऑयल, जिससे हम हमारी वेजिटेबल्स प्रिपेयर करते हैं, कुक करते हैं, कुकिंग में काम आता है, वो ऑयल सीड से बनता है. ग्राउंडनट, राइस, शुगर केन, वीट एंड कॉटन, ये मेन क्रॉप्स है. नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स के कौन से मेन क्रॉप्स है? टी एंड कॉफी. नीलगिरी हिल्स मैंने आपको बताया था तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला वाले एरिया में होता है. ऊटी, इट्स एन ऊटी. ऊटी इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, इट इज अ हिल स्टेशन इन कर्नाटका. नाउ रबर एंड स्पाइसेस आर ऑल्सो ग्रोन इन दिस एरिया. ओके, नाउ द सदर्न प्लेट्यू रीजन of India is rich in minerals. It is rich in minerals. Which are the important minerals in this? Iron ore, coal, mica and gold. These are the important minerals. Important cities are Hyderabad, Bhopal, Nagpur, Indore, Bengaluru and Mysore. Okay everyone? Okay ma'am. Third, is there any doubt? No ma'am. Do you want to ask something? West ki taraf. Okay, now one by one I'm speaking the name. Start reading the chapter. Okay? Ma'am, pehle se. Okay, now first Preeti, start reading the chapter. The Southern Plains and elevated or high area flyers, limited or flat at the top, is called a plateau. It is also called a tableland. A plateau is always higher than the ground surface around it but lower than mountains. It is the oldest landmass of India. The Southern Plateau region of India. Location: the Southern Plateau is made up of Igneous rocks and is an irregular triangle in shape. The Aravalli Hills lie in the northwest and the Ratnahan Hills in the northeast. This plateau extends from the south of the North Plains down the last tip point of India, which is Kanyakumari. Okay, now next, who will read? Vismaya, start reading. From the next page, the plateau consists. The plateau consists of two parts. The central highland. This is the plateau. The central highland. The central highlands lie to the north. Central and north to the north of Narmada River covered a large portion of Malwa plateau. The Vindhyachal range is bounded by the Central Highland on the south and the Aravalli on the northwest. It is subdivided into two parts. First, the Malwa plateau, the northwestern part. Second, the Chota Nagpur plateau, the northeastern part. Okay, now next, Diana. Yes, ma'am. Start reading. From page 32, Malwa plateau lies in the north.
Okay, ma'am. The Malwa Plateau lies in the north of the Vindhyas. It is covered with black soil which favors the cultivation of cotton, oil seeds and sugar cane. Some rivers like the Chambal, Betwa and so on flow through this region to later join the river Ganga. The Chota Nagpur Plateau, drained by the Darmoda River, is extremely rich in minerals and has large deposit of coal mine in Giriz, Bihar, Raniganj, West Bengal and Jharia, Jharkhand. Besides coal, iron, manganese, bauxite and mica are also mined here. This plateau is marked by Raj Mahal Hills on the northeastern side. The Chota Nagpur Plateau is covered with dense forest as well. The Deccan Plateau. Dipal. Okay, ma'am. The Deccan Plateau. The Deccan Plateau lies to the south of the Narmada River. The Vindhyachal Mountain and the Satpura Range lie in the northwest part of the Deccan Plateau region. The Satpura Range is located between the river Narmada and river Tapi, which flow westwards into the Arabian Sea. It is the largest plateau of India. The plateau is bounded by the Western Ghat in the west and Eastern Ghat in the east. The Western Ghat in the west of the Deccan Plateau are a long range of hills. They include the Nilgiris, Anaimalai and Cardamom Hills. Nilgiri Hills lie in Tamil Nadu, Karnataka and Kerala. Ooty is the hill station in the Nilgiri Hills in the Deccan Plateau region. The Eastern Ghats have comparatively low hills as they have been cut off by a number of southwest flowing rivers. Southeast flowing rivers. Okay, now next. Ma'am, bolo. Drishya, start reading. Yes, ma'am, कहाँ से read करना है? आपका ध्यान नहीं था अभी तक, मैंने वहाँ पे पढ़ाया था बेटा. अब यहाँ से पढ़ो important rivers of the region. मैम, important rivers of the region से पढ़ना start करो. आपको मिल गया दृश्या? नो मैम, नेटवर्क की वजह से ना पता नहीं चल रहा था. ओके, जानवी? यस मैम. Do you know yes, from ma'am. There to me? Yes, ma'am. Okay, sir. Important rivers of the region. There are only two westward flowing rivers in this region. The Narmada between Vindhyachal Mountain and Satpura Range. Satpura Range. The Tapi is flows south of the Satpura Range. These two rivers flow into Arabian Sea. These are not preliminary, are perennial and are rented. Other rivers in this region are the Mahanadi, the Govindri, the Krishna, the Kaveri. The Mahanadi, beta, the Mahanadi, the Godavari. The Godavari, the Krishna, the Kaveri. These rivers flow into the Bay of Bengal and make deltas. Josh, are you listening? Start reading from the Do You Know of page number 33. Okay. Kanyakumari is the southmost tip of the Indian main island. Mainland. It is mainland. Indian
इंडियन ओशन साउथ अरेबिया सी वेस्ट बे ऑफ बंगाल ईस्ट मीट दिस रिवर फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल एंड मेक डेल्टास थ्री दिस आर इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू एंड मेक द लैंड फर्टाइल देर आर मेनी फर्टाइल इन वाटरफॉल्स इन दिस रीजन रॉकफॉल. ओके नेक्स्ट कृषा मैम कैन आई रीड माधव वीरानी ओके माधव द जोगफॉल इज द सेकेंड हाईएस्ट वॉटरफॉल इन द इंडिया On the river Saravati in Karnataka, dams and tanks are main source of irrigation. Main crops, the soils of the Deccan Plateau region are red and black. Black soil is known as cotton soil, as it is good for cotton and oilseeds. Groundnut, rice, sugarcane, wheat and cotton are main crops of Deccan Plateau region. Tea and coffee are the important crops of the Nilgiri Hills. Rubber. Okay, next man. I can read. Okay, Krishna, you was left. Start reading. Rubber and spice are also grow in this area. Minerals. The southern plateau region of India is rich in minerals. Iron, coal, mica and gold are the main minerals found in the Deccan Plateau region. Important cities. Hyderabad, it is the capital of It is the capital of Andhra Pradesh. It is the capital of Andhra Pradesh, an important historic city. It is famous for its Golconda Fort. Sariach. And Salarjung Museum. It is also an IT hub. Bhopal, the capital of Madhya Pradesh, Nagpur. It is famous for orange and is also a historical place. Indore forms of cotton textile. Bengaluru, capital of Karnataka and IT hub. Mysore, a historical city. Okay, now everyone listen to the homework. You have to revise this chapter once again at your homes. ओके कल हम क्विज जोन करेंगे और राइटिंग जोन करेंगे ओके ओके मैम टुडे टुमारो वी विल डू द क्विज जोन एंड द राइटिंग जोन प्लीज रिवाइज द चैप्टर थॉरली ओके ओके मैम ओके नाउ एवरीवन टेक केयर ओके मैम बाय मैम